मैंने तो पहले भी कहा था कि ऑपोजिशन की बकरी चोरी भी नैब तफ्तीश करेगा और हुकूमत की चीनी माफिया की रिपोर्ट को भी नैब में नहीं भेजा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया पाकिस्तान के इकोनॉमी पर बात कर रहा है और भारत पर भी पाक मीडिया आज बात कर रहा है। आज पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी तरह जा रही है, पर पाक मीडिया ने कहा कि ये सब झूठ है। पाकिस्तान में खाने पीने के चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग वो सब खरीद नहीं पा रहे हैं। पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि इमरान खान जो ये झूठ बोल रहा है कि भारत दुनिया में अकेला हो गया, तो इमरान खान को अगर पता है कि भारत अकेला है तो यूनाइटेड नेशन में जाके भारत के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं उठाते, तो इससे पता चल जाएगा कि भारत कितना अकेला है। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान भी जानता है कि वो झूठ बोल रहा है और इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जो मंशूर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें सिर्फ फहरिस्त 1 करोड़ नौकरियां शामिल थीं, 50 लाख घर थे, ब्यूरोक्रेसी में इसलाहत थी, पुलिस रिफॉर्म्स थी, करप्शन का खात्मा था, लूटी हुई रकम वापस आई, जिसके अलावा भी दर्जनों से ज्यादा थे हुए पूरे 2 सालों में। वो संडे को NBC ने मुझे फोन किया था कि आटे का रेट क्या है लाहौर में, तो मैंने अपनी बेगम से पूछ के इन्हें बताया था कि 10 किलो का आटा जो है वो 800 रुपये से ज़ायद पे मेरी बेगम ख़रीद के लाई हैं। तो ये शायद पूरे मुल्क से आटे के रेट इकट्ठे कर रहे थे संडे को, तो इन्होंने मुझे भी कॉल की थी। और ख़राब वाला आटा ज़ायद है लाहौर में किलो, और वो भी ख़राब वाला आटा। मेरी बेगम ने कहा कि क्वालिटी भी बहुत गिर गई है आटे की, और अब ये पकाने के काबिल भी नहीं रहा जो 80 रुपये में मिलता है। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत ने 2 साल में बहुत शानदार कारकर्दगी की है। ये हुकूमत कहती है पिछली हुकूमत खा गई सारा कुछ, मुझे तो समझ नहीं आती आटा और चीनी भी पिछली हुकूमत खा गई, मुझे तो समझ नहीं आती प्याज और टमाटर भी पिछली हुकूमत खा गई। ये आज 110 रुपये चीनी की भी नवाज शरीफ की वजह से है। ये भी मेरा मतलब है कि ये जो चीनी कमीशन है, मैंने तो पहले भी कहा था कि ऑपोजिशन की बकरी चोरी भी नैब तफ्तीश करेगा और हुकूमत की चीनी माफिया की रिपोर्ट को भी नैब में नहीं भेजा जाएगा और मुख्तलिफ अदालतों के जरिए उसके साथ फुटबॉल खेला जाएगा, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी सिंध हाई कोर्ट में। भाई आप नैब को दें, वो रेफरेंस दायर करें उसके ऊपर, आप कभी इधर खेल लेते हैं कभी उधर खेल लेते हैं, और फिर जो उसका सबसे बड़ा मुजरम है उसको स्पेशल प्लेन पे आपने लंदन भेज दिया क्योंकि आपकी पार्टी में वो था। वो कहते हैं हमने 5000 अरब पिछली हुकूमतों का कर्जा वापस कर दिया है। ये भी तो बता देते कि इस हुकूमत ने 2 साल में उतने कर्जे ले लिए हैं जितने पिछली हुकूमतों ने 5 साल में नहीं लिए थे, रिकॉर्ड बनाया उसमें भी 2 साल में। ये तो नहीं बताते कि हमने कितने ले लिए हैं और उन कर्जों का हमने किया क्या है, पिछलों से तो पूछते थे। फिर ये भी बता दें कि पिछलों ने जो आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था उसको जब हमने खुला छोड़ा है तो उसके बाद क्या नतीजे आए हैं मुल्क की मईशत पे, GDP कहाँ पहुँच गई है, ग्रोथ रेट क्या है, बेरोज़गारी क्या है, क्या हमने पनाहगाहें बनाई हैं। मेरा मतलब है एक दौर में नवाज शरीफ ने येलो कैब बांटनी शुरू की थी तो लोगों ने कहा था कौम को टैक्सी ड्राइवर बनाना है, सब में टैक्सियाँ बांट रहे हो। इन्होंने पनाहगाहें बना के मेरा मतलब लोगों को पनाहगाह में भेजना है, कौम को किस तरफ लेके जा रहे थे हम। तो मेरा मतलब है डायरेक्शन लेस 2 साल थे और गवर्नमेंट को भी बड़े बड़े रिलीफ मिले हैं। पिस मैं और NBC गए हैं जो आटे का रेट एक दूसरे को फोन करके पूछते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नासिर में चुपताई से 2 साल जो हुकूमत के रहे कारकर्दगी के हवाले से आपके लिए तसल्ली बख्श है। बहसियत पाकिस्तानी आप समझते हैं कि जो वादे कहे गए थे, जो दावे किए गए थे, पूरा उतरी गवर्नमेंट उस पर? अगर आप टेक्निकल बात करेंगी तो वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, उसके बाद स्टॉक फिर निगेटिव पर चला गया, इनको 55 पे मिला था, 28 तक ले गए गिरा के ये, और अब बमुश्किल ये 44 पर लेकर आए। रुपए की कीमत को आप देख लीजिए, गंदम चीनी आटा इनकी कीमतों को देख लीजिए, घरों से पूछ लीजिए, मुजम्मिल से पूछ लीजिए आटा कितना है, क्या क्या किलो आटा मिलेगा, मुजम्मिल पूछ के आएंगे यकीनन। तो यही जो सूरत हाल है, फिर आप ये कहते हो गंदम नहीं है, सिंध से हज़ारों टन गंदम रहीम यार खान पहुँची है स्मगल होकर, जो वहाँ महंगे दाम फरोख्त की जा रही है। 500 टन चीनी पंजाब
और सिंध बॉर्डर पर पकड़ी गई है। वो 5 टन खास नहीं होती है, लेकिन हज़ारों टन गंदम गई है जो आगे स्मगल हो रही है। मैं चीखता रहता हूँ इस बारे में कि स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है। रहीम यार खान में 1600 रुपये की बोरी बिकी है उस पर मंडी के अंदर, वो है स्टॉक है, रुपए की कीमत है। उसके बाद आपकी खर्चा पॉलिसी है। आज जो दावा कर रहे थे मखदूम शाह महमूद साहब कि हम आइसोलेट नहीं हुआ, आइसोलेट इंडिया हो गया है, सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असम्बली में कश्मीर पे पेश कर दें रेजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन में पेश कर दें रेजोल्यूशन, मालूम हो जाएगा क्या सूरत हाल है। तीसरी बात जो कहिए, सेटल हो गया है बैट्समैन, बहुत कमाल की बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। मैंने जावेद मियांदाद को होते हुए देखा है सेटल, मैंने हनीफ मोहम्मद की आखिरी इनिंग देखी है, क्या खूबसूरत इनिंग थी 300 रन की मुदस्सिर की, मुदस्सिर को देखा 3-3 दिन खेलता रहा है वो। लेकिन सेटल बैट्समैन के लिए एक बॉल काफ़ी होती है, एक बॉल बॉलर को 6 मौके मिलते हैं, बैट्समैन को 1 मौका मिलता है, तो एक बॉल पड़ गई ना गलत तो 3 विकेट उखड़ जाएंगी। इसका अंदाजा इमरान खान को होगा अगर असद उमर को नहीं है तो। चलिए दोस्तों वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी की क्या हालत है और ये किस लिए है, और फिर मैं आखिर में भारत के बारे में बात करूँगा। तो इमरान खान सरकार में आया था ये कह के कि वो पाकिस्तान में भ्रष्टाचार ख़त्म कर देगा, और भ्रष्टाचार की वजह से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, वरना अगर भ्रष्टाचार पाकिस्तान तक ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान अमेरिका से भी ज़्यादा अमीर देश बन जाएगा, और इसी वजह से लोगों ने भी उसे वोट दिया था। लोगों को लगा था इमरान खान आके भ्रष्टाचार ख़त्म करेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो टॉप अब से बेहतर थी, पर उन्हें लगा था कि उस वक्त ख़राब जा रही है तो इमरान खान उसे अच्छा करेगा, तो वही सोच के लोगों ने उसे वोट दिया था। पर इमरान खान के सरकार में आते ही इकोनॉमी ऊपर जाने की वजह और भी नीचे जाने लगी, और इसकी मेन रीज़न ये है कि इमरान खान ने आते ही भ्रष्टाचार के नाम पे अपने सारे पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल में डालना शुरू कर दिया, और इसी वजह से लोगों को भी डर लगने लगा कि पाकिस्तान में अगर मैं पैसे लगाऊंगा और इमरान खान ने अगर मुझे अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट समझने लगा तो मुझे भी वो जेल में डाल देगा, और इसी वजह से पाकिस्तान में जो पैसे आ रहे थे वो भी आना बंद हो गए। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उन्हें भ्रष्टाचार के नाम पे जेल में डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आखिर में इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कहना पड़ा था कि आप इन बिजनेसमैन से बात कीजिए कि मैं आप ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और ताकि वो फिर से पाकिस्तान में पैसा लगाए, क्योंकि इमरान खान के इन हरकतों की वजह से उन बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे थे उन्होंने भी पाकिस्तान में बिजनेस करना बंद कर दिया था, और उन्होंने अभी जो फैक्ट्री है वो बांग्लादेश में शिफ्ट कर दी थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रही थी। और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन से बात की, और उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से पता नहीं, क्योंकि उसके बाद ही कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी जो नीचे जा रही थी वो एकदम नीचे डूब गई। उसकी वजह से इमरान खान जो मुसीबत में था वो और भी ज़्यादा मुसीबत में चला गया, क्योंकि उसने तो पाकिस्तान में इकोनॉमी नीचे कर दी थी, और उसके बाद लॉकडाउन करने की वजह से पाकिस्तान में जो थोड़ा सा बिजनेस हो रहा था वो भी पूरा बंद हो गया। इसी वजह से आपको पता होगा कि इमरान खान अब ये कह रहा है कि लॉकडाउन खोलो वरना पाकिस्तान इकोनॉमी और भी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। और दूसरी वजह ये भी है कि इमरान खान लॉकडाउन इसीलिए खोलना चाहता है क्योंकि पाकिस्तानी चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और उसे पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर ऐसी ही चलती रही तो अगले चुनाव में पाकिस्तान में इमरान खान को कोई वोट नहीं देगा, और उसके जो सारे अपोजिशन के लीडर है जिसके खिलाफ उसने नकली केस बना के रखे है वो अगर सरकार में आ गए तो वो भी इमरान खान के साथ वही करेंगे जो इमरान खान अभी उनके साथ कर रहा है, तो इसी वजह से इमरान खान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है अभी। और इमरान खान इकोनॉमी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी नक्शे का नाटक कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो भारत के कश्मीर को पाकिस्तान में ले आएगा जो कभी नहीं होगा,
और कह रहा है कि भारत दुनिया में अकेला हो गया और भारत के साथ कोई नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन में भारत का साथ 184 देशों ने दिया है। और इमरान खान ये नेपाल और बांग्लादेश को दिखा के कह रहा है कि देखिए ये तो भारत के साथ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि भारत अकेला हो गया है, तो वो सब तो बकवास बात है। तो चलिए आप वीडियो पे आते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा है कि आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आटे की कीमत पहले 40 रुपये थी, तो अभी 80-90 रुपये में बिक रही है। तो खाने पीने के चीज़ों के दाम डूबने से भी ज़्यादा हो गए हैं। और ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान से जब भी इसके बारे में सवाल पूछो, तो ये कहता है ये सब नवाज शरीफ की गलती है, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब जा रही है। तो सरकार में इमरान खान है या नवाज शरीफ, तो पाकिस्तान में अभी कुछ भी हो, सब वो नवाज शरीफ के जमाने के सरकार पे डाल देता है। तो ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इसी वजह से पाक मीडिया और भी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि इमरान खान अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी लेता तो पाक मीडिया कम से कम कह पाता कि छोड़ो प्रधानमंत्री ने थोड़ा जिम्मेदारी तो लिया है, पर इमरान खान हर वक्त हर चीज नवाज शरीफ के जमाने के सरकार पर डाल देता है। और पाकिस्तान में आटे चीनी के दाम का नवाज शरीफ के सरकार से क्या रिश्ता है, ये तो मुझे भी पता नहीं चला आज तक। और पाक मीडिया ने जो कहा कि इमरान खान ने कहा है कि उसने पिछले सरकारों के बहुत सारे कर्जे वापस कर दिए है, तो अगर आप लोन लेके लोन चुकाएंगे तो इसमें आपका क्या टैलेंट है, वो तो लोन देने वाले का टैलेंट है, क्योंकि लोन जो दे रहा है आखिर में फायदा तो उसका ही होगा। तो इमरान खान ऐसा झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाता है कि देखिए मैंने कितना लोन वापस कर दिया, वो ये कभी नहीं कहता कि उसने कितना लोन लिया है ये लोन चुकाने के लिए। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि इमरान खान ने लोगों को बाहर भेजा उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की जगह, तो ये सही बात है, क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लोगों को इन्वेस्टिगेट किया। इमरान खान के सरकार में कई लोगों पर ये इल्जाम लगा है कि पाकिस्तान में जो खाने पीने के चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं वो इसी वजह से है कि इमरान खान के सरकार में बहुत सारे लोग चीनी कंपनियां चलाते हैं, और चीनी के दाम इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आखिर में फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है, और इसी वजह से इमरान खान भी और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि चीनी बढ़ने से उनके सरकार के लोगों को फायदा हो रहा है। और पाक मीडिया ने इसी तरह कहा कि इमरान को जिनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उनको तो वो बाहर भेज देता है और अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लोगों को इन्वेस्टिगेट करता है। तो इमरान खान ने ये जो 2 साल बिताए है ये सब एकदम गलत काम करके ही चलाया है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा है कि इमरान खान जो झूठ बोलता है कि भारत अकेला हो गया है, और इमरान खान को लगता है कि ये झूठ बोल के लोग उसकी जो इकोनॉमी पर परफॉर्मेंस है उसे चेक नहीं करेंगे। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि इमरान खान को अगर इतना ही भरोसा है कि भारत अकेला हो गया है तो यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि भारत अगर सच में अकेला हो गया है तो यूनाइटेड नेशन भी पाकिस्तान का साथ देगा और भारत के साथ कोई नहीं होगा, तो पाकिस्तान को तो कश्मीर मामले में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और इमरान खान को ऐसे फर्जी नक्शे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इमरान खान को पता है कि वो झूठ बोल रहा है और इसी वजह से इमरान खान यूनाइटेड नेशन में नहीं जा रहा। सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान का बहुत पुराना दोस्त था उसने भी पाकिस्तान को कश्मीर मामले पे छोड़ दिया है, और इमरान खान जो कह रहा है कि भारत अकेला हो रहा है, असल में पाकिस्तान अकेला हो रहा है, दुनिया में चीन और तुर्की के अलावा पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं करता। और चीन का जो हाल हुआ है कोरोना के बाद, तो चीन अपने आप को बचाएगा या पाकिस्तान को बचाएगा, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।